एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये जो ब्लॉग है ना, ये मैंने फिर रात से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि रात को हम लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। तो मैंने कहा आप लोगों को अकेले अकेले दिखाते हैं, खास साथ में तो दिखाते ही नहीं है। वैसे तो हम साथ में ही खाते हैं, लेकिन कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि अलग अलग भी खाना पड़ जाता है, या मेरा जैसे व्रत वगैरह होता है तो मुझे बहुत जल्दी भूख लगती है। मैं इंतज़ार करती हूँ कि शाम कब हो। तो बस ये हम इंजॉय कर रहे थे, खाना खा रहे थे। और ये उस दिन, मतलब शायद कल का है। हाँ, ये गया भी था मेरा इसमें से, तो ये थोड़ा क्लिप था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ थोड़ा सा। मतलब आज मेरा फास्ट है, आज मंडे, तो प्लीज़ मेरी बात को इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं हिचकिचा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये तो एक दिन पहले का है, यानी ये संडे का है। तो इधर देखिए हमारा अनमोल कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है आपको। मतलब वो ना अब तो कैमरे का इक्स हो गया, उसे कैमरे से ना वो उसे पता चल गया कि ना ये वीडियो बनती है और ये कहीं जाती है। तो बस वो ऐसे ऐसे नई नई हरकत कर रहा है। तो मैं उसे बोल रही थी खाना खा ले, वो बहुत कम खाना खाता है। कम क्या खाता है, जैसे शाम के टाइम जाता है ना अम्मा बाबा के पास, तो वो शाम का खाना तो वहीं से खा के आता है। सुबह भी एक रोटी खाएगा, नहीं तो पूरे दिन दूध में, बिस्किट में, नमकीन में, इन चीज़ों का बहुत शौकीन है। और दही मठा तो वो छूता भी नहीं है। हम इतनी कोशिश कर चुके हैं कि ये दही मठा खा ले, पर नहीं, पता नहीं उसे क्या एलर्जी है, टच भी नहीं करता है खाना, तो बहुत दूर की बात है। तो ये हम अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। और ये पता है, जब हम साथ में खाना खाते हैं ना, तो ये टाइम होता है जब हम एक दूसरे से बैठ के बातें करते हैं। गर्मी तो गर्मी है, कल तो बहुत ज़्यादा थी, आज तो फिर भी थोड़ा कम है।
और देखो मैंने अपने कपड़े वॉश करके डाले हुए हैं, उधर आपको सामने दिख भी रहा होगा, उधर सूख रहे हैं इधर। तो अब गर्मियों में क्या है ना, अंदर ही सूख जाता है। वैसे भी मैं ठंडों में ही ऊपर जाती हूँ, गर्मियों में तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे बंदर बंदर भी है ज़्यादा, और फिर बार बार चक्कर कौन लगाए, धूप में जाओ देखो पता भी नहीं चलता। तो बंदर आ जाते हैं। पिटाई हुई आपकी अभी? बहुत तेज लगी आपके? हाँ। किसने मारा? पापा। क्यों मारा था बताना जरा, मारा भी तो क्यों था? पता है क्या है, ये क्या करता है, गोदी में दूध पीता है, वो भी निप्पल से पीता है। मैं इसको बोलती हूँ चल गोदी में पी रहा है, चल कोई बात नहीं, बच्चा अपना किसी को बुरा नहीं लगता है, लेकिन एक एक घंटे लगा लेता है निप्पल से दूध पीने में। मैं भी थक जाती हूँ बैठ बैठ के, पूरा घर का काम, वीडियो का काम, और फिर ये मुझे थका देता है। तो मैंने आज इसके 3-4 रख दिए, तो मेरे को बोल रहा है तुम्हारी ना पापा से शिकायत करूँगा। शिकायत लगाओगे मेरी पापा से? हाँ। नहीं मत लगाना, पापा डांटेंगे ना। नहीं डांटेंगे आप? शिकायत तो नहीं करोगे? नहीं करोगे ना। अच्छा सब बोल रहे थे अनमोल अच्छा बच्चा है, अनमोल अच्छा है, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो गंदा लगता है। अच्छा लगता है, मैं कमरे आप चाहे पुराना कपड़ा लो उस पर चिट लगा दो, तो अनमोल के लिए वो नया कपड़ा है। और जिसके सारे कपड़े हम मिंत्रा से ही मंगाते हैं, मिंत्रा नहीं एक और है उस पर जो अमिताभ बच्चन ऐड करता है, मैं भूल गई उस वेबसाइट का नाम, ध्यान से उतर गया, उससे ही लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ से तो बहुत कम लेते हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ इतना अच्छा कपड़ा नहीं मिलता है, कभी कभार बच्चे के मन रखने के लिए ले आते हैं। हाँ दिलाएंगे, और नानी के घर भी चलेंगे। और इसको ना बहुत, मेरे भाई ने ना मेरे भतीजे की वीडियो डाली है, तो सुबह से इसने रट लगा ली है मुझे तो नानी के घर जाना है। भैया नानी के घर कैसे जाएं, इतना तो ये वायरस फैल रहा है, कहीं भी नहीं आ जा सकते। मैं चिमटी ले लूँगा। अच्छा ठीक है, तो चलिए मैं अपना वीडियो कंटिन्यू कर लेती हूँ। ये फिर मैं शाम के टाइम ना अपना मतलब स्किन मतलब साफ़ कर रही थी, और कभी यार वैसे तो हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है अपनी स्किन का ध्यान रखने का, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। टाइम तो देखो किसी के पास नहीं होता है, पर निकालना चाहिए, अपने लिए भी वक्त देना चाहिए। तो ये मैं एक फेस पैक बनाया था, मुझे इन चीज़ों की बहुत नॉलेज है, क्योंकि ये समझ लीजिए मेरा जन्म भी दिल्ली में हुआ है, मैंने 26-27 साल अपने दिल्ली में गुजारे हैं, तो वहाँ ऐसे ही नहीं घूमा होगा, मुझे बहुत चीज़ की नॉलेज है। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाली हूँ, बस थोड़ा सा वेट करना। और ये जो फेस पैक था ना, इसमें मैंने बेसन मिलाया था और दही था और नींबू था, क्योंकि आपको पता है दही हमारे लिए कितना अच्छा होता है, और बेसन तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, और नींबू जो है ब्लीच का काम करता है। तो मुझे कब जब से लॉकडाउन हुआ है ना, मैंने अभी तक फेस पैक नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ, क्योंकि अब तीज भी आने वाली है, तो तीज पे थोड़ा अच्छा सा ग्लो तो लगना चाहिए ना। तो देखिए मैंने उसको फेस वॉश कर दिया है अपना, कैसा लग रहा है आपको बताना। आपको इसकी रेमेडी चाहिए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आगे आगे ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मैं लाने वाली हूँ। तो यहाँ आ गई थी मैं कढ़ी बनाने, आज बना रही हूँ मैं कढ़ी, तो बहुत मन कर रहा था। वैसे तो बोलते हैं सब कि सावन में कढ़ी नहीं बनाते हैं, गधे बन जाते हैं, तो मैंने कहा चलो हम तो गधे बन जाएंगे, बहुत दिन हो गए थे, मन कर रहा था यार कि हाँ कढ़ी बनाऊँ कढ़ी बनाऊँ। तो मैं कर रही थी पकौड़े का तैयार, तो मैंने ना पकौड़े में आलू वालू नहीं डालते हैं हमारे यहाँ, ऐसे बेसन में नमक मिर्च डाल दो, हल्दी डाल दो, बस उसका ही बना लेते हैं हम, ऐसे आलू वालू प्याज डाल के पकौड़े नहीं खाते हैं, कढ़ी में नहीं खाते हैं। तो यहाँ बस मैंने बना लिए थे ये, और मैंने तेल छोड़ दिया था, तेल मेरा गरम हो गया था, तो आप देख रहे हो कैसे लग रहे हैं देखने में। मैं थोड़ा बड़े ही बड़े बनाना पसंद करती हूँ, देखो जैसे आप घर में घर वाली खाना पसंद करते हैं ना, उसी हिसाब से बनाना चाहिए। और मैं तो एक चीज़ मानती हूँ, खाना आप ना कोई भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, ऐसा बनाओ जो देख कर ही आँखों, सबसे पहले ना आदमी आँखों से खाता है, जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है उसका तो अलग ही स्वाद होता है। तो बस वो भी लेके चले गए, उसमें से वैसे ही तो पकौड़े का बेटल कम था, और वो और लेके चली गए, उसमें से 3 और कम हो गए, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैं इसमें कैसे बना रही हूँ, मैंने बस जीरा और हींग डाला है, मैं कोई प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ,
और टमाटर डाला है। आप एक बार ना टमाटर डाल के देखना अपनी कढ़ी में, इतना अच्छा स्वाद आता है, बहुत अच्छी लगती है कढ़ी। तो बस उसको चलाते रहना है, और कढ़ी को आप बस एक बार जब गर्म हो जाए ना तब छोड़ दो, उसे चलाने की ज़रूरत नहीं है कि आप जब तक वो बन रही है उसे चलाते रहो। हरी मिर्च से क्या होता है पता है, ढाबे वाला स्वाद आ जाता है। अब मैं इसमें पकौड़े डाल रही हूँ, आप ना एक बार ऐसे ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा स्वाद आता है, बहुत अच्छी लगती है खाने में भी। और प्लीज़ जो पीछे से आवाज़ आ रही है ये मेरे बेटे की है, इसको मैंने खूब डांट लिया है पर इसको अपनी शरारत करनी है तो करनी है, प्लीज़ माइंड मत करना, बच्चा है मार भी नहीं सकती ज़्यादा। तो जब मेरी वीडियो बनती है ना, जब मैं एडिटिंग करती हूँ, जब भी इसको पता नहीं क्या आफत आती है लड़के को, तो यहाँ मेरे हस्बैंड को सब्ज़ी लेके आए थे जो मैंने मंगाई थी, मैंने उन्हें वॉश करके रख दिया है, जब वो सूख जाएंगे तब मैं उन्हें फ्रिज में लगा दूँगी। उसके कपड़े, मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। उसके बाद पता है सुबह सुबह ना इतनी जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं, फिर इन्होंने बोला कि मुझे खाना बना के तो मुझे जाना है जल्दी, फिर मैं जल्दी जल्दी रोटी सेकने लगी। यही काम होते हैं यार सुबह सुबह का, तो इतना फास्ट वाले काम होते हैं। और आज ना, और बस वीडियो अब ख़त्म होने जा रही है, प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नमस्ते, बाय बाय।